नगर पंचायत करसोग की अध्यक्ष सीमा गुप्ता के नेतृत्व में नगर पंचायत करसोग का एक प्रतिनिधि मंडल जल शक्ति विभाग के कार्यालय पहुंचा। उन्होंने बताया नगर पंचायत करसोग के सभी वार्डों में कई दिनों से सुचारू रूप से पानी की सप्लाई नहीं आ रही है, जिस कारण आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जल शक्ति विभाग करसोग से आग्रह किया है कि सुचारू रूप से पानी की सप्लाई दी जाए। उन्होंने कहा जो अलियार से नाली तक पानी की कुहर है, जिससे लगभग 1000 बीघा की भूमि की सिंचाई की जाती है और लगभग 5000 लाभार्थी इसका लाभ उठाते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, परंतु आईपीएच की लापरवाही के कारण सभी भूमि बंजर पड़ी है, जिससे कि लोगों की आर्थिक स्थिति भी खराब हो रही है। इनका कहना है अगर जल्द ही लोगों को पीने के पानी की व सिंचाई की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं दी गई तो आने वाले समय में यह लड़ाई सड़कों में उतर कर लड़ी जाएगी, जिसके जिम्मेदार जल शक्ति विभाग के अधिकारी होंगे। सर, जो ये लोग यहाँ आए हैं, बिल्कुल इनकी जैनों की समस्या है। मैं भी बाजार में रहता हूँ कि बाजार के पानी की बहुत ज्यादा बड़ी समस्या है। एक तो इनके डिस्ट्रीब्यूशन का है, कहीं किसी जगह जो कई टंकियां जो ओवरफ्लो हो रही है, पर किसी किन्हीं को पानी नहीं मिल रहा। इसी के साथ साथ में ये एक समस्या यही शो की नहीं है, मात्र नगर पंचायत शो की नहीं है और दूसरी पंचायतों की इस तरह की है। मैं बताना चाहता हूँ कि लगभग 3 साल पहले हमारी पंचायत के लिए एक स्कीम बनी है ऐसी बस्ती बहानुआ बगैला के नाम से, जो 85.5 लाख रुपए की स्कीम है, जिसके कि पेयजल फिल्टर टैंक जो कम 2 साल पहले जो बन चुके हैं, लेकिन उसमें ना आज तक पानी डाला गया है। जो उस स्कीम के अंतर्गत जो मेन टैंक बनने हैं ना ही वो आज तक निर्मित हुए। इसके संदर्भ में मैंने एक नहीं तीन तीन परिवारों से जो नकल सीमा लेकर यहाँ जो दिया हुआ है विभाग में, लेकिन ये भी मुझे लगता है कि विभाग टोटल ठेकेदारों में त्रस्त है और हमारी जनता जो शो की जो है पानी के बगैर जो बिल्कुल बेहाल है। ये जो मस्त है, मतलब ठेकेदारों में ठेकेदारी में मस्त लग रहे हैं। नगर पंचायत के सभी वार्डों के पार्षद एवं सभी आम जनता को लेकर पानी की समस्या को लेकर आए हैं, तो आम जनता की काफ़ी दिनों से किसी भी वार्ड में सुचारू रूप से पानी की व्यवस्था नहीं है, तो उसी व्यवस्था को ठीक करने व्यवस्था का समाधान करने के लिए आज हम जल शक्ति विभाग के पास आए थे। मैडम, कब से ये समस्या आ रही है? पिछले काफ़ी महीनों से आ रही है, 1.5-2 महीने हो गए सुचारू रूप से पानी की व्यवस्था। पहले भी कुछ दिन पहले भी इनके पास अपनी समस्या को लेकर आए थे, तो फिर उन्होंने बोला कि हम जल्दी इसका समाधान कर देंगे, तो फिर उसका नई समाधान न होने के कारण आज हम दोबारा अपनी आम जनता को लेकर आए हैं। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए करसोग से दिनेश कुमार।